अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है रमज़ान डे 10 और हमारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठंडे, अच्छे और खुशगवार गुजर रहे हैं। आज की इफ्तारी में हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा कॉर्न्स और उसके साथ दही वाले बैंगन। तो सबसे पहले दही वाले बैंगन की प्रेपरेशन करते हैं। इसके लिए आपने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का अच्छे से पेस्ट बना लेना है और उसके साथ खुश्क मसाले जो हैं वो ग्राइंड कर लेने हैं। खुश्क मसालों में मैंने ऐड किया है ज़ीरा, खुश्क धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला और क्रश चिल्ली, नमक और थोड़ा सा काला नमक। दही ले लेना, उसको अच्छे से आपने फेंट लेना है। दही में आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, इवन के नमक भी। उसके साथ रेड साबुत मिर्च ले लेनी है। बैंगन को इस तरह से आपने स्लाइसेस बारीक बारीक कट कर लेने हैं और उसको पानी में डिप कर लेना है ताकि वो ब्लैक ना हो जाए। अगर आप फ़ौरन ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आपने प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लेना है और फिर उसमें ऑयल डाल के आपने उसको भून के, जैसे अदर आप हंडिया वगैरह के लिए आप मसाला बनाते हैं उस तरीके से आपने इसको मसाला बना लेना है। मसाला जब थोड़ा सा भुन जाए, यानी प्याज जो है वो आपके ब्राउन हो जाए, तो दूसरे हाथ पे आप इस तरह करें कि आप पैन में हल्का सा ग्रीस कर लें और उसमें इस तरह करके आप जो स्लाइसेस काटे थे आपने बैंगन के वो आप डाल दें वन बाय वन करके। थोड़ा सा ऑयल जो है वो इस वक्त मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, लेकिन आप बहुत कम घी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको पैन को ग्रीस कर सकते हैं और फिर जब एक साइड इनकी डन हो जाए तो फिर दूसरी साइड से आप रख लें और मसाला जो है वो आप भूनना शुरू कर दें अपना। प्याज को ब्राउन करना है, बैंगन जो है वो हमारे इस तरह से देखें रोस्ट हो गए हैं दोनों साइड से, और इसमें नमक, मिर्च और मसाला वगैरह डालना है। तो फिर उसको आपने मिक्सिंग कर लेना है। अब दूसरे हाथ पे जो मैंने आपको पिज़्ज़ा कॉर्न्स दिखाए थे वो आप चाहें तो आप बेक कर लें, आप चाहें तो आप उसको फ्राई कर लें, लेकिन आज मैं फ्राई कर रही हूँ, बेक नहीं कर रही। इसके अंदर की जो फिलिंग है वो मैं कल की वीडियो में डालूँगी डिटेल से वीडियो, तो आप जाकर देख लीजिए कि इसके अंदर आप जो भी चाहें अपनी मर्ज़ी से फिलिंग कर सकते हैं। आप चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं, आप सॉस की फिलिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की आप फिलिंग जो है वो बना सकते हैं। तो हमारी इफ्तारी का टेबल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया हुआ है। आज की इफ्तारी टेबल में है हमारे पास पिज़्ज़ा कॉर्न्स और उसके साथ कुछ आलू की पकौड़ियाँ, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो हमारे घर में रमज़ान में पकौड़े बहुत कम बनते हैं, उसकी बजाय आलू की पकौड़ियाँ, या आप समझ लें कि सिर्फ आलू के पकौड़े बनते हैं और ये ज़रूरी बनते हैं, चाहे हम एक दो आलू के बनाएं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी ये बहुत शौक़ से खाती है। उसके साथ खजूरें तो है ही इफ्तारी का लाजमी हिस्सा और उसके साथ थोड़े से दही बल्ले हैं। और खाने में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने बैंगन, दही वाले बैंगन बनाए हैं, उसके साथ हमने वाइट जो बॉयल्ड चावल हैं वो बनाए हैं, और मीठे में आज हम बना रहे हैं मैंगो कस्टर्ड यानी फ्रूट ट्राइफल। तो कस्टर्ड तो खैर आपको बनाना आता ही होगा, इसमें मैं क्या ही रेसिपी दूँ, लेकिन चलें अब वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी तो फिर अब डाल भी देते हैं। तो सबसे पहले आपने दूध को बॉयल कर लेना है चीनी डाल के, और आपने थोड़ा सा दूध लेना है, उसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें कि उसके अंदर लम्स ना रहे। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप दूध के अंदर यह कस्टर्ड ऐड कर दें और उसको अच्छे से चम्मच हिला दें। चम्मच आपने फ़ौरन हिलाना, नहीं तो लम्स रह जाएंगे और वो फिर कस्टर्ड में अच्छे नहीं लगते। तकरीबन 2-3 मिनट चम्मच हिलाने के बाद आपका कस्टर्ड जो है वो ठीक हो जाता है और बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। ये देखिए किस कदर अच्छा सा रेडी हो गया, ना तो इसमें लम्स आए और ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड बना है, सिर्फ पेस्ट सा बना है। अब आपने बनाना ले लेने हैं, उसको आप चाहें तो आप छोटे छोटे स्लाइसेस कट कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पर लंबे लंबे स्लाइसेस कट किए हैं और एप्पल जो है उसके छिलके उतार के वो भी कट कर लिए हैं। अब हम इसको बर्तन में सेट करेंगे। सबसे पहले हम अपने डोंगे में एप्पल जो है वो बिछाएंगे नीचे। एप्पल सेट करने के बाद वन बाय वन करके जब हम एप्पल सेट करेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो आप में से बहुत से लोग कहते होंगे कि कस्टर्ड भला किसको नहीं बनाना आता, तो ऐसी बात नहीं है। इवन कि आप यकीन कीजिए कि एक दफ़ा मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च करते करते एक कस्टर्ड की रेसिपी मेरे सामने आ गई, तो वहाँ मैंने बहुत कमेंट्स देखे कि मुझे कस्टर्ड नहीं बनाना आता था। आपका शुक्रिया कि आपने हमें सिखा दिया, क्योंकि हमारी बहुत सी टीनेज बच्चियाँ जो हैं वो भी यूट्यूब से सीख के कुकिंग करती हैं, या अपनी माओं से नहीं सीखती या किसी के पास ये सहूलत नहीं होती तो वो सीख लेती हैं। इसलिए हर चीज़ की रेसिपी आपको
इवन के दही जमाने जैसे आसान काम की रेसिपी भी यूट्यूब पर मौजूद है, तो इसलिए काइंडली आप मुझ पर हंसिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए वन बाय वन करके लेयर्स जो हैं वो मैंने कस्टर्ड की डाल दी हैं। ऊपर कस्टर्ड डाला, सबसे जो आखिरी लेयर है वो कस्टर्ड की, और उसके ऊपर मैरी बिस्किट चूरा करके फेंक के। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।